हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ग्राफ्टिंग प्रोसेस डिस्कस किया था जो कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंडर में था। ठीक है, तो वहां वो ग्राफ्टिंग के बेसिस पे कंपोजिट प्लांट का डेवलपमेंट मैंने बताया था। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, तो माइक्रो, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है हमें, माइक्रो प्रोपगेशन। तो माइक्रो इन द सेंस स्मॉल पार्ट, प्रोपगेशन इन द सेंस न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट। तो प्लांट के किसी स्मॉल पार्ट से डिफरेंट और बहुत सारे न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज नोन एज द माइक्रो प्रोपगेशन बेसिकली। ठीक है, अब बात आता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं या स्मॉल पार्ट से हम प्लांट्स का डेवलपमेंट करवाते हैं एक सिंथेटिक मीडिया के ऊपर, इन आर्टिफिशियल कंडीशंस में, इन लैब कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो वहाँ उसको एसेप्टिक कंडीशंस बहुत जरूरी होता है ताकि कोई बैक्टीरियल इंडिविजुअल जो है उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए कल्चर को बेसिकली। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, क्या इट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए स्मॉल प्लांट पार्ट और टिश्यू विद द हेल्प ऑफ द पीटीसी इन द सेंस प्लांट टिश्यू कल्चर बेसिकली। The technique of PTC क्या है? It is a technique of maintaining and growing callus. Callus एक undifferentiated mass होता है mesenchymatic tissue का basically. ठीक है, जो differentiated नहीं है. ठीक है, तो growing callus tissue etc. and their differentiation on artificial or synthetic media under aseptic conditions in lab. Lab के अंदर aseptic conditions के अंदर basically. ठीक है, तो वहाँ उन प्लांट्स को रेज करने का जो टेक्निक है, ठीक है, दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। बात आता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो हम किस किस एरियाज में फर्दर यूटिलाइज करते हैं बेसिकली। तो पीटीसी जो है, इट इज यूज इन द एम्ब्रायो कल्चर, किसी एम्ब्रायो को कल्चर करवाने के लिए हम पीटीसी यूज करते हैं। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्लांट्स अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम दो टाइम प्रोडक्ट रिलीज करता है, एक तो प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं और एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्ट जो होंगे दे आर यूटिलाइज बाय द प्लांट, जबकि सेकेंडरी प्रोडक्ट जो होते हैं दे आर एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी प्रोडक्ट फिर हमारे काम के होते हैं। ठीक है, जैसे एल्कलॉइड्स हो गया, रेजिन्स हो गया, गम हो गया, दे आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो उनको भी प्रोडक्शन करने के लिए हम पीटीसी यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा मास मल्टीप्लिकेशन, पीटीसी जो है बहुत रैपिडली प्लांट्स के ग्रो करने का एक टेक्निक है। ठीक है, दूसरा, जर्म प्लांट कंजर्वेशन में भी हम पीटीसी को यूज करते हैं। ठीक है, जर्म प्लांट्स कंजर्वेशन इन द सेंस ऐसे प्लांट्स के वो जो पार्ट जो कि नए प्लांट्स का डेवलपमेंट परफॉर्म कर सकते हो, दिस इज जर्म प्लांट बेसिकली। अब चाहे वो सीड हो, चाहे उसका कोई बड हो, चाहे उसका कोई टिश्यू हो बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा इट इज यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर को यूटिलाइज करते हैं बेसिकली। जीन्स के इंसर्शन के बेसिस पे उन प्लांट्स को, उन सेल्स को या टिश्यूज को फर्दर ग्रो करवा के ही उन जीन का एक्सप्रेशन भी हम उनके अंदर देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर बेसिकली। इसके अलावा सोमाटोनल वेरिएशंस डेवलप करने में भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर का यूटिलाइजेशन करते हैं। बात आता है कि सोमाटोनल वेरिएशंस है क्या। बॉडी के पास, प्लांट की बॉडी हो चाहे एनिमल का बॉडी, उसकी बॉडी में दो टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, एक तो जेनेटिक सेल्स और एक सोमेटिक सेल्स। ठीक है, तो एक तो जर्मिनल सेल्स होता है और एक सोमेटिक सेल्स होता है। तो एक्सेप्ट जर्मिनल सेल्स जो हमारे गोनेट्स के पास प्रेजेंट है, हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास प्रेजेंट है जो सेल्स, उनको छोड़ के नहीं, बॉडी की सारी सेल्स जो हैं दे आर द सोमेटिक सेल्स। तो वो जो सोमेटिक सेल्स हैं उन सोमेटिक सेल्स के अंदर वेरिएशंस डेवलप करवा सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पीटीसी, और उन वेरिएशंस को ही हम बोलते हैं क्या, सोमाक्लोनल वेरिएशंस। सोमेटिक सेल्स के अंदर चेंज करने, सोमेटिक सेल्स के अंदर वेरिएशंस डेवलप करने का जो प्रोसेस है, दैट इज द सोमाक्लोनल वेरिएशंस बेसिकली। ठीक है, तो ये सारा काम हम विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू परफॉर्म, प्लांट टिश्यू कल्चर परफॉर्म कर पाते हैं बेसिकली। बात आता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है या फिर माइक्रो प्रोपगेशन जो है, ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस वाइज मैं बता देता हूँ कि प्रोसेस जो है, सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं उस प्लांट का जिसका मैं फर्दर प्लांट टिश्यू कल्चर करने जा रहा हूँ या उसका माइक्रो प्रोपगेशन करने जा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो सिलेक्शन करने के बाद वहां से एक्स प्लांट आइसोलेट किया जाएगा। एक्स प्लांट वो पार्ट होता है जो कि फर्दर जिसको मैं कल्चर करने जा रहा हूँ, जिससे नए प्लांट डेवलप करवाने जा रहा हूँ बेसिकली। तो उस एक्स प्लांट का फर्दर स्टरलाइजेशन किया जाता है, स्टरलाइजेशन इन द सेंस
उसको जर्म फ्री करने जा रहा हूं बेसिकली। जर्म फ्री करने के बाद उस एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर प्लेस करके ही फर्दर न्यू प्लांट डेवलप कर लिया जाता है। तो मैं यहाँ फर्दर उस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन और प्लांटेशन कल्चर प्रोसेस। उसका अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊ तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्शन ऑफ डिजायर प्लांट ठीक है विद डिजायर करेक्टर तो सबसे पहले मैं उस डिजायर प्लांट को सिलेक्ट आउट करूंगा जिसका मैं फर्दर माइक्रो प्रोपगेशन करवाने जा रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट। अब एक्सप्लांट क्या होता है? इट इज पार्ट ऑफ प्लांट टू बी कल्चर, पार्ट ऑफ प्लांट टू बी कल्चर, जिसको मैं कल्चर करने जा रहा हूं, दैट इज एक्सप्लांट। एक्सप्लांट आइसोलेट करने के बाद उस एक्सप्लांट का स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, एक न्यू वर्ड आया दैट इज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब मेंटेनिंग द जर्म फ्री कंडीशन, मेंटेनिंग जर्म फ्री कंडीशन, फ्री कंडीशन ठीक है। तो उस एक्सप्लांट को मैं क्या करूंगा, जर्म फ्री कर रहा हूं, जो कि हम सोडियम हाइपोक्लोराइड के बेसिस पे भी करते हैं, इसके अलावा हम टैप वाटर से भी उसको जर्म फ्री करते हैं उस एक्सप्लांट को। तो यहाँ स्टरलाइजेशन करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो उन जर्म्स को रिमूव करने का होता है, उन पैथोजन्स को रिमूव करने का होता है बाय चांस जो एक्सप्लांट के ऊपर प्रेजेंट है ठीक है। जैसे ही उसका स्टरलाइजेशन किया, स्टरलाइजेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट इज इनोकुलेशन, इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्टरलाइज्ड एक्सप्लांट इनटू द न्यूट्रिएंट मीडिया और इन आर्टिफिशियल मीडिया ठीक है, और इन कल्चर मीडिया। इसका भी मैं मीनिंग देता हूं, ट्रांसफर ऑफ ऑफ एक्सप्लांट इनटू न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया ठीक है। तो इनोकुलेशन करने के बाद उस एक्सप्लांट का इनोकुलेशन, उसको ट्रांसफर करने के बाद उसको मैं एक फेवरेबल कंडीशंस के अंदर रखता हूँ, उनको एक कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड करवाता हूँ ठीक है, उस एक्सप्लांट को जो कि मैंने उस पैटी डिस्क के अंदर प्लेस किया हुआ ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है, कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है दैट इज इंक्यूबेशन, उसको हम बोलते हैं क्या, इंक्यूबेशन बेसिकली। तो नेक्स्ट स्टेप इज इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन ठीक है। इंक्यूबेशन का मतलब क्या है, मेंटेनिंग, मेंटेनिंग ऑफ कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल्ड कंडीशन लाइक टेम्परेचर, CO2, pH एक्सेट्रा। मेंटेनिंग ऑफ कंट्रोल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, CO2, pH टू द एक्सप्लांट, उस एक्सप्लांट के ठीक है। तो उस इस जो इंस्ट्रूमेंट उन कंडीशन को प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेटर, द इंस्ट्रूमेंट इज इंक्यूबेटर विच इंक्यूबेट द एक्सप्लांट बेसिकली ठीक है।
इनक्यूबेटर, जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोल रहे हैं क्या, इंक्यूबेटर, जिसके अंदर इंक्यूबेशन किया जाता है, करवाया जाता है इसलिए, ठीक है। तो जैसे ही उनको हम इंक्यूबेट करेंगे, इंक्यूबेशन के बाद जो एक्सप्लांट है दिस विल डेवलप रूटिंग और शूटिंग, एक्सप्लांट डेवलप्स रूटिंग एंड शूटिंग, डेवलप कर देंगे क्या रूटिंग एंड शूटिंग, जैसे उसके पास रूटिंग शूटिंग डेवलप होगा, ठीक है, इट विल डेवलप द न्यू प्लांट्स, न्यू डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को बोल रहा हूँ क्या, प्लांट टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन बेसिकली, ठीक है। तो इसको फर्दर अगर मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताता हूँ, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा प्रोसेस, फर्स्ट सिलेक्शन किया, उसके बाद आइसोलेशन किया, फिर स्टरलाइजेशन किया, फिर इंक्यूबेशन किया, इनोक्यूलेशन किया, इनोक्यूलेशन के बाद इंक्यूबेशन किया, और इंक्यूबेशन के बाद उस एक्सप्लांट के अंदर वो रूटिंग और शूटिंग डेवलप करवाया। रूटिंग शूटिंग जैसे डेवलप होगा, इट विल डेवलप फ्रॉम द न्यू प्लांट बेसिकली, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन। बात आता है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, कि माइक्रो प्रोपगेशन या प्लांट टिश्यू कल्चर जो है उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, एडवांटेजेस ऑफ एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन और पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है इसका, फर्स्ट एडवांटेज, मास मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले, ठीक है, फॉर फास्ट न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, विद इन 21 डेज 10^6 प्लांट्स का डेवलपमेंट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ वायरस फ्री प्लांट भी हम इससे डेवलप करते हैं इस टेक्निक से। अब वायरस फ्री प्लांट कैसे डेवलप करते हैं, कि जो इसका एपिकल मेरिस्टेम होता है किसी प्लांट का, तो एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स है वो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होती है, तो उस जगह पे वायरस का जो प्रेजेंस है वहां नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हम क्या, उस एक्सप्लांट उस एपिकल बड को या उस एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को वहां से रिमूव करके नहीं, एज ए एक्सप्लांट में फर्दर ग्रो करवा लेता हूँ। तो अब उस एपिकल टिश्यू में तो एपिकल मेरिस्टेम में तो किसी टाइप से भी वायरस था नहीं, ठीक है, नहीं था, तो उसको मैंने एज ए एक्सप्लांट लिया, तो एक्सप्लांट लिया तो फिर उसी से फर्दर मैंने न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट करवाया। तो अब जो न्यू प्लांट डेवलप हुए वहाँ किसी टाइप से कोई वायरस का इन्फेक्शन मुझे नहीं मिलेगा बेसिकली। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ वायरस फ्री प्लांट बेसिकली, यूज इन डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट, यूज इन डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट, डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट वो भी डेवलप करवा सकता हूं, ठीक है। दूसरा एक और इसका प्रॉफिट जो है, ये कॉमर्शियल क्रॉप जो होंगे ना उनको कल्टीवेट करवाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेसिकली, ठीक है। यूज इन कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप डेवलपमेंट प्रोडक्शन और डेवलपमेंट
ठीक है, कमर्शियल प्रॉफिट से उनका सिलेक्शन करवाने में भी रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसके और बेनिफिट जो है कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है ठीक है वो सोमेटिक सेल से डेवलप हो रहा है, तो यहाँ होमोजाइगोसिटी ही मेंटेन रहेगा, इन द सेंस सुपीरियर कैरेक्टर रिमेन सुपीरियर। ठीक है, तो किसी सुपीरियर कैरेक्टर वाले प्लांट्स का मैंने अगर पीटीसी किया है तो उससे न्यू प्लांट जो डेवलप होंगे ठीक है वो सुपीरियर क्वालिटी वाले ही प्लांट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इस पे एप्लीकेशन सुपीरियर कैरेक्टर रिमेन सुपीरियर, रिमेन सुपीरियर इन जनरेशन, इन जनरेशन, इन जनरेशन। ठीक है, किसी तो किसी सुपीरियर प्लांट का अगर मैंने पीटीसी किया है तो उससे डेवलप होने वाले जो प्लांट्स होंगे वो भी कैसे होंगे सुपीरियर ही होंगे बेसिकली। तो दे आर द एडवांटेज ऑफ द माइक्रो प्रोपगेशन और पीटीसी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इसके, डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन और पीटीसी। डिसएडवांटेज सबसे पहला बात आता है कि डिसएडवांटेज में इसका कि बहुत कॉस्टली मेथड पड़ेगा। नॉर्मली हम ग्राफ्टिंग तो बाहर ओपनली फील्ड में करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पीटीसी करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए एक वेलडेड डिजाइन एक लैब का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लैब कंट्रोल प्रोसेस है पूरा पूरा। ठीक है, तो एक्सपेंसिव मेथड, एक्सपेंसिव मेथड रिक्वायर्ड कंट्रोल या लैब, किसी एक लैब का मुझे जरूरत पड़ेगा। सेकंड, टेक्निकली स्किल्ड पर्सन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल पर्सन, स्किल पर्सन। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल पर्सन इसमें होना बहुत जरूरी है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज कि किसी प्लांट में अगर इंफीरियर करेक्टर है ठीक है तो मैं उस करेक्टर को वहां से रिप्लेस आउट नहीं कर सकता इस प्रोसेस से बेसिकली। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या सुपीरियर कैरेक्टर वाला प्लांट ही माइक्रो प्रोपगेशन में यूटिलाइज करते हैं, इंफीरियर कैरेक्टर रिमेन इंफीरियर, इंफीरियर कैरेक्टर रिमेन इंफीरियर, रिमेन इंफीरियर इन जनरेशन, इन जनरेशन। इंफीरियर कैरेक्टर जो होगा वो इंफीरियर ही डेवलप होगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ क्या है डिसएडवांटेजेस है बेसिकली। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन की होता क्या है, उसके बाद उसका प्रोसेस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। अब बोर्ड में एक बार कई बार एक क्वेश्चन देता है कि यू गिव मी अ सिंगल सेल आई विल गिव यू अ थाउजेंड प्लांट्स बेसिकली, एक्सप्लेन द टेक्निक कि आप मुझे एक सेल दो मैं आपको थाउजेंड प्लांट दूंगा, वो कौन सा टेक्निक है उस टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोलता रहूं। ठीक है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड द टेक्निक इज प्लांट टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन बेसिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हो ताकि आपके माइंड में रहे कि बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन है जो ऐसे करके पूछा जाता है। क्वेश्चन में आप लिख रहा हूँ Give me a cell. I will give you thousand plants. Thousand plants.
एक्सप्लेन द टेक्निक, एक्सप्लेन द टेक्निक, उस टेक्निक को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन द टेक्निक। तो आंसर इज द टेक्निक इज पीडीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, तो इस टेक्निक से हम क्या है, एक सिंगल सेल से बहुत सारे प्लांट डेवलप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक सिंगल सेल जो भी जब उसको न्यूट्रिएंट मीडियम क्लोज करूंगा तो वो फर्दर अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल फॉर्म द क्लस्टर ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक क्लस्टर बनाएगी जिसको हम कैलस बोलेंगे। ठीक है, तो वहां कैलस का भी डेफिनेशन पूछता है कि कैलस क्या होता है। ठीक है, तो कैलस का भी मैं डेफिनेशन अगर दिखा देता हूं, कैलस क्या होता है, कैलस इट इज मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, उसको हम बोलते हैं क्या, कैलस। ठीक है, तो मैं तो सोमेटिक सेल ले रहा हूं, तो सोमेटिक सेल तो डिफरेंशिएटेड सेल है, लेकिन मैंने 11th क्लास में प्रोसेस बताया था डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अगर सोमेटिक सेल जो है ये डिफरेंशिएटेड सेल फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, द फिनोमेना इज नोन एज द डी डिफरेंशिएशन। तो विद द हेल्प ऑफ डी डिफरेंशिएशन द सोमेटिक सेल्स और द डिफरेंशिएटेड सेल कन्वर्टेड इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल, और मेरिस्टेमेटिक सेल का जो क्लस्टर बनता है दिस इज नोन एज द कैलस स्ट्रक्चर। तो कैलस स्ट्रक्चर इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, या इसको हम डी डिफरेंशिएटेड भी बोल सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बेसिकली। ठीक है, तो ये उस टेक्निक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, पूछता है कई बार। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि कई बार नीट के अंदर पूछता है, ए गैमो स्पर्म क्या होता है, ए गैमो स्पर्म, ए गैमो। ठीक है, तो एगेमो स्पर्मी जो है वो एक टाइप है एपोमिक्सिस का। मैं आपको फर्दर का डेफिनेशन बता रहा हूं कि एगेमो स्पर्मी इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। दो फिनोमेना होते हैं, एक तो एम्फीमिक्सिस होता है और एक एपोमिक्सिस होता है। एम्फीमिक्सिस का तो मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड और एम्ब्रायो विद फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एम्फीमिक्सिस इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, whereas apomixis is the part of asexual reproduction. तो apomixis क्या होता है, apomixis is development of embryo or seed without involving the gametogenesis and fertilization. ठीक है, तो उस phenomena को हम बोलते हैं क्या, apomixis. तो agamospermy is the type of apomixis basically. इसी वजह से हम इसको यहाँ पे asexual reproduction के अंदर conclude कर रहे हैं। एगेमोस्पर्मी इट इज ए टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस ये एपोमिक्सिस का एक टाइप है। ठीक है, अब बात आता है कि एपोमिक्सिस का मीनिंग क्या है, एपोमिक्सिस मिक्सिस इट इज डेवलपमेंट ऑफ एट एज, डेवलपमेंट ऑफ इट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो या सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बिना फर्टिलाइजेशन और विदाउट इन्वॉल्विंग, और विदाउट इन्वॉल्विंग, विदाउट इन्वॉल्विंग
गैमेटोजेनेसिस, जिसमें मियोसिस भी आता है, मियोसिस, गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के और गैमेटोजेनेसिस के अगर सीड का और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, तो द फेनोमेना इज नोन एज द एपोमिक्सिस, और एगेमो स्पर्मी इज द टाइप ऑफ एपोमिक्सिस बेसिकली। ठीक है, जबकि हमें पता है कि सीड का और एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ठीक है, कि जो एग सेल है जब वो किसी स्पर्म्स के सेल्स के साथ फ्यूज करता है, देन इट विल डेवलप द जायगोट और जायगोट विल फॉर्म द एम्ब्रायो। ठीक है, तो यहां तो प्रोसेस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, ठीक है, जिसको हम एम्फीमिक्सिस भी बोल रहे हैं। ये एपोमिक्सिस है जिसमें कि न्यू वन का डेवलपमेंट हो रहा है या एम्ब्रायो सीड का डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन बेसिकली। आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैं आपको यहां एम्फीमिक्सिस भी बता रहा हूं। एम्फीमिक्सिस डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड और एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बाय फर्टिलाइजेशन, बाय फर्टिलाइजेशन, बाय फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये एम्फीमिक्सिस इज द फिनोमेना ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि एपोमिक्सिस इंडिकेट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इंडिकेट इंडिकेट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जबकि एपोमिक्सिस एम्फीमिक्सिस रिप्रेजेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रेजेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस, ठीक है, यहां एपोमिक्सिस जो है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट डिस्कस कर रहे हैं अभी बेसिकली। ठीक है, बात आता है कि टाइप कितने का होता है, टाइप्स ऑफ एगेमोस्पर्म। फर्स्ट इज रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। सेकेंड एडवेंटिटिव एगेमोस्पर्म, एंड थर्ड इज नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्म, नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्म और एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। ठीक है, तो ये अलग अलग फिनोमेना बेसिकली। तो पहला जो है दैट इज रिकरेंट एपोमिक्सिस, दूसरा जो एडवेंटिटिव एगेमोस्पर्मी और एम्ब्रायोनी, यहाँ पे एगेमोस्पर्मी बोलते हैं उसको और एम्ब्रायोनी, एम्ब्रायोनी। ठीक है, एडवेंटिटिव एम्ब्रायोनी या एडवेंटिटिव एगेमोस्पर्मी, जबकि ये नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी और एपोमिक्सिस। तो यहाँ इनको वन बाय वन अगर हम डिस्कस करते हैं, ये माइंड में रखना, सबसे पहले माइंड में रखने वाला यही चीज है यहाँ पे कि यहाँ सीड का और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो न्यू प्लांट्स के अंदर या न्यू सीड का जब डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो उसके अंदर मैटरनल इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स का या फिर
पैटर्नल जो है या फादर का या फिर मेल प्लांट का कोई पोलन ग्रेन्स यहाँ आके फ्यूज नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो उस ओव्यूल के अंदर ही उस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ओव्यूल इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन, ठीक है, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का ही एक इंडिविजुअल है ओव्यूल जो है, ठीक है। तो यहाँ इफेक्ट जो आएगा वो मैटरनल इफेक्ट आएगा। तो वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करके चलते हैं। पहला है रिकरेंट एपोमिक्सिस, बेसिकली तो रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है, एपोमिक्सिस इन द सेंस अवे फ्रॉम द मिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, अवे मतलब विदाउट, मिक्सिस मतलब फर्टिलाइजेशन, रिकरेंट एपोमिक्सिस। समझने वाला बात बहुत अच्छे से समझना यहां से, क्योंकि बहुत थोड़ा टेक्निकल होगा। ओव्यूल जो है, ये मैं लिख देता हूं उसको रिकरेंट का, इन दिस केस रिकरेंट एपोमिक्सिस के केस में, इन दिस केस एम्ब्रायो और एम्ब्रायो डेवलपमेंट और एम्ब्रायो सेट डेवलपमेंट आकर विदाउट मियोसिस, ठीक है। तो जो एमएमसी होगी, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल होगी, उसमें किसी टाइप से कोई मियोसिस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मियोसिस जो पार्ट है वो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जब गैमेट डेवलप करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जो होगा, मियोसिस का कोई रोल नहीं होगा उसमें, एज वेल एज एम्ब्रायो सेट का जो डेवलपमेंट होगा उसमें भी किसी टाइप से कोई मियोसिस का रोल नहीं होगा। तो हियर एम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड एग सेल, हियर एम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड एग सेल, जो होता है वो हैप्लॉयड होता है हमेशा, ठीक है। तो हैप्लॉयड एग सेल जब एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तब वो जायगोट बनाता है, और जायगोट डिवाइड कर माइटोटिकली डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ है कि जब उस एग सेल का डेवलपमेंट चल रहा था तो एग सेल के डेवलपमेंट के टाइम मियोसिस ना होके नहीं, वो माइटोसिस डिवीजन ही हुआ, जिसकी वजह से हैप्लॉयड सेल ना बन के नहीं, वो डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड सेल जो होगी ना, डिप्लॉयड एग सेल जो है, अब इस डिप्लॉयड एग सेल का कोई फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है, और ये डिप्लॉयड एग सेल ही माइटोटिकली डिवाइड करके एम्ब्रायो बना देता है, ठीक है। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिकरेंट एपोमिक्सिस बेसिकली, हियर एम्ब्रायो डेवलप फ्रॉम द डिप्लॉयड एग सेल, ठीक है। इन दिस केस यस, हियर डिप्लॉयड एग सेल डिप्लॉयड एग सेल डेवलप ड्यूरिंग डेवलप्स ड्यूरिंग मेगा एस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है मेगास्पोर का फॉर्मेशन बेसिकली, ठीक है। तो वहां डिप्लॉयड एग सेल डेवलप होता है ड्यूरिंग मेगा स्पोरोजेनेसिस बाय माइटोसिस डिवीजन,
माइटोसिस डिवीजन, नॉट बाय मियोसिस। ठीक है, तो वो रीजन होता है कि यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, डिप्लॉइड एग सेल डेवलप होता है, क्योंकि मियोसिस ना हो गया उस जगह पे क्या हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है। तो माइटोसिस होगा तो एग सेल डिप्लॉइड होगा, और ये एग सेल बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, ये एग सेल बिना किसी फर्टिलाइजेशन के माइटोटिकली डिवाइड करके नए एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर देती है बेसिकली। तो उस टाइप की एपोमिक्सिस को हम बोलते हैं क्या, रिकरेंट एपोमिक्सिस। यहाँ पे और थोड़ा एक्सप्लेनेशन से बता रहा हूँ आपको, ये एमएमसी है, एमएमसी मेगा स्पोर बादर सेल, इसका मीनिंग है मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो इस ये डिप्लॉइड सेल्स होता है, ये ट्राइसेम सेल्स होता है। तो डिप्लॉइड सेल्स मियोसिस डिवीजन लेता है, मियोसिस डिवीजन लेके नहीं, ये हैप्लॉइड एग सेल बनाता है, एग सेल बनाता है जो कि कैसा है, हैप्लॉइड। तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमेना है कि एमएमसी के अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस से हैप्लॉइड एग सेल बना। लेकिन इन दिस केस एपोमिक्सिस के केस में क्या हो रहा है कि ये एमएमसी जो है वो मियोसिस डिवीजन ना लेके नहीं, वो माइटोसिस से ही डिवाइड कर लेता है, माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस से डिवाइड करके करेगा तो ये एग सेल का फॉर्मेशन करेगा, और एग सेल अब जो होगा वो ट्राइसेम होगा और डिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो डिप्लॉइड सेल जबकि जायगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो यहां ये एग सेल जो है ना, इट एक्ट एज ए जायगोट, जबकि जायगोट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। ठीक है, तो मेल गैमेट फ्यूज जब करेगा एग सेल के साथ, तब जाके नहीं वो जायगोट डेवलप करता है, फर्टिलाइजेशन से वो जायगोट बनाता है और जायगोट से वो एम्ब्रायो। तो ये पूरा जो फेनोमेना वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, सेक्सुअल और एम्फीमिक्सिस है, लेकिन एपोमिक्सिस के केस में एमएमसी के अंदर माइटोसिस डिवीजन हुआ है, माइटोसिस डिवीजन हुआ था तो वहां पे एग सेल डिप्लॉइड बना, और डिप्लॉइड एग सेल जो होगा वो माइटोसिस डिवीजन ले रहा है, माइटोसिस, और माइटोसिस डिवीजन लेके भी उसने एम्ब्रायो बना दिया। ठीक है, तो इस फिनोमिना में यहां कहीं किसी टाइप से कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये जो फिनोमिना है दैट इज ए गैमोस्पर्म और एपोमिक्सिस। कौन सा, वो भी रिकरेंट, रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है, तो ये रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है हमें ऑनियन के केस में मिलता है, एप्पल के केस में मिल जाता है बेसिकली। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, इट इज प्रेजेंटेड, इट इज ऑब्जर्व, एग्जाम्पल एप्पल एंड ऑनियन, उन केस में हमें मिल जाता है। तो ये था रिकरेंट। नेक्स्ट है एडवेंटेटिव एम्ब्रायो, एडवेंटेटिव एम्ब्रायो, एम्ब्रायो जो होता है वो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एडवेंटेटिव सेल से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो दिस इज एडवेंटेटिव एम्ब्रायो। ठीक है, तो यहां एम्ब्रायो नॉर्मली तो फॉर्मेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, एग सेल और मेल गैमेट फ्यूज करके जायगोट बनाएगा और जायगोट एम्ब्रायो बनाता है, लेकिन वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेनोमेना था। लेकिन यहां पे अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो एम्ब्रायो अगर बनाता है वेजिटेटिव सेल से या एडवेंटेटिव सेल से, ठीक है, तो उस फेनोमेना को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे एडवेंटेटिव एम्ब्रायो। हियर इन दिस केस
इन दिस केस केस एम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड न्यूसिलस सेल या इंटेग्यूमेंटिक, ये की जो कि कैसी सेल है, एडवेंटिटिव सेल है, एडवेंटिटिव ठीक है। तो हियर या इन दिस केस एम्ब्रायो डेवलप फ्रॉम द डिप्लॉयड न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंटिक सेल्स इंटेग्यूमेंटिक रीजन रीजन ऑफ ओव्यूल ठीक है। तो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंटिक रीजन से अगर एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो जाता है ठीक है, वहां कोई एग सेल पार्टिसिपेट नहीं करता है ठीक है। तो अगर इंटेग्यूमेंट से या न्यूसिलस से सोमेटिक सेल से सारी उनसे अगर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है तो दिस इज नोन एज द एडवेंटिटिव एम्ब्रायो बेसिकली ठीक है। वो कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं पढ़ रहे हैं ये मैं एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ये फ्लावर है और ये इसका ओवेरी है। ओवेरी के अंदर ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल। तो इस ओव्यूल का मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहां, समझने की कोशिश करूं थोड़ा इसको। ये ओव्यूल है, ओव्यूल इस ओव्यूल के अंदर ये ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है दैट इज एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक ठीक है। तो इस एम्ब्रायो सैक के चारों साइड द रीजन आउटसाइड द एम्ब्रायो सैक इज न्यूसिलस, उसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। और न्यूसिलस की सारी सेल्स होती हैं डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। न्यूसिलस की कवरिंग जो है उसको हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये है इंटेग्यूमेंट, इसके इंटेग्यूमेंट जो है वो न्यूसिलस को कवर करके रखता है, दिस इज न्यूसिलस ठीक है। तो न्यूसिलस जो है इट इज प्रेजेंट सराउंड द या इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एम्ब्रायो सैक ठीक है। तो एम्ब्रायो सैक के अंदर के बाहर के साइड प्रेजेंट है न्यूसिलस। तो एम्ब्रायो सैक जो है वो एक सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछता है कि एम्ब्रायो सैक क्या है, एक सेवन सेल और एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो यहां सेवन सेल कौन कौन सा मैं आपको बता रहा हूं, बेसल साइड में इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। इनके ऊपर प्रेजेंट होगा एक एग सेल, एग सेल ठीक है। तो सिनर्जिड्स भी हैप्लॉयड होते हैं और एग सेल भी यहां पे हैप्लॉयड होती है। अपर साइड प्रेजेंट होगा यहां चलाजल से, चलाजल सेल से, और ये सेल भी हैप्लॉयड होती है ठीक है। इनके मिड में एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है, बड़ा सेल जो है दिस इज सेंट्रल सेल, ये डिप्लॉयड होती है, सेंट्रल सेल डिप्लॉयड होती है। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है
ठीक है। तो ओव्यूल के सबसे इनर साइड एम्ब्रायो सैक है, इस एम्ब्रायो सैक के चारों साइड न्यूसिलस है, ठीक है। तो यहाँ न्यूसिलस जो है वो डिप्लॉयड है और इंटेगमेंट भी डिप्लॉयड है बेसिकली, ठीक है। तो एम्ब्रायो सैक को सराउंड करके रखा है न्यूसिलस ने, न्यूसिलस के चारों साइड कवरिंग जो है वो इंटेगमेंट का कवरिंग है। तो इंटेगमेंट का कवरिंग और न्यूसिलस का कवरिंग की जो सेल्स है, ठीक है, दे आर द डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, ये एग सेल जो होगा ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, एग सेल कन्वर्टेड इंटू जायगोट और जायगोट में कन्वर्टेड इंटू एम्ब्रायो, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ एडवेंट्रिकल एम्ब्रायो यहां किसी टाइप से कोई फर्टिलाइजेशन ना हो और न्यूसिलस का सेल जो कि डिप्लॉयड है, ठीक है, या फिर इंटेगमेंट का सेल ये भी डिप्लॉयड है, ये सेल ही नए एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर दे। ध्यान रहे कहीं पे भी एग सेल ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये न्यूसिलस ये एम्ब्रायो से इसके चारों साइड जो है वो न्यूसिलस और इंटेगमेंट है, ये न्यूसिलस इसका सेल कैसा है डिप्लॉयड या फिर इंटेगमेंट इसका सेल भी कैसा है डिप्लॉयड सेल, ठीक है। तो एग सेल पार्टिसिपेट ना करके नहीं, ये डिप्लॉयड सेल ही एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर दे, ये डिप्लॉयड सेल ही एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर दे, माइटोटिक डिवीजन लेती जाए और वो एम्ब्रायोस बना दे, ठीक है। तो यहाँ वेजिटेटिव सेल्स और दो जो सोमेटिक सेल्स जो हैं वो माइटोटिक डिवीजन लेके नहीं एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर दे। तो इस वजह से यहाँ इस फिनोमेना को बोलते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रायो, ठीक। ध्यान रखना कि यहाँ किसी टाइप से कोई एग सेल ने और मेल गैमेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, जस्ट क्या हुआ है कि न्यूसिलस का सेल जो कि डिप्लॉयड था या फिर इंटेगमेंट का सेल वो भी डिप्लॉयड था, ठीक है। तो उनमें से कोई भी सेल को माइटोटिक डिवीजन लेके नहीं वो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन परफॉर्म कर दे, दिस इज एम्ब्रायो एम्ब्रायो, ठीक है। लेकिन यहाँ किसी टाइप से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये इंटेगमेंट की सेल ने ही फर्टिल न्यूबर्न का फॉर्मेशन किया है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन लेके, या फिर ये न्यूसिलस इंटेगमेंट का सेल भी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन परफॉर्म कर दे, ठीक है। तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रायो मेटिंग। तो जनरली एक सीड के अंदर एक एम्ब्रायो मिलता है, अगर एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रायो अगर मिल जाते हैं, ठीक है, तो द फिनोमेना इज नोन एज द पॉली एम्ब्रायो, अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन ए सीड इज नोन एज द पॉली एम्ब्रायो, ठीक है। तो अगर एडवेंटेटिव डेवलप हुआ है तो एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रायो, और एडवेंटेटिव एक एम्ब्रायो डेवलप हुआ है तो जैसे एडवेंटेटिव एम्ब्रायो बेसिकली, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये एडवेंटेटिव एम्ब्रायो होता क्या है बेसिकली, ऐसी रिकरेंट एम्ब्रायो एपोमिक्सिस क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ये एडवेंटेटिव एम्ब्रायो जो है इट इज ऑब्जर्विंग केस ऑफ, एग्जाम्पल किसके केस में मिलेगी मुझे, सिट्रस के केस में, ये मिलता है सिट्रस के केस में मुझे एडवेंटेटिव एम्ब्रायो। नेक्स्ट नॉन रिकरेंट, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और इम्पैक्ट, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और एगेमोस्पार्मी, इसके और भी नाम है, ठीक है। इसको हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं, ठीक है, एंड्रोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है, और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस भी बोलते हैं, और हैप्लॉइड
पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक फिनोमेना होता है जिसमें एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए इंडिविजुअल्स का डेवलप कर देती है, पर ध्यान रहे कि वो एग सेल, ठीक है, एक एग नए इंडिविजुअल्स को डेवलप अगर कर देती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस बेसिकली। ठीक, जैसे हमें वी के केस में मिलता है, हनी बी के केस में मिलता है बेसिकली, तो वहाँ एक एग सेल से क्या न्यू इंडिविजुअल्स के डेवलप हो जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ हैप्लोइड एग सेल से ही नए वन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, इसको एंड्रोजेनी भी बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द एंड्रोजेनी या एंड्रोजेनी और एंड्रोजेनी। किसी गैमेट से नए इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट अगर हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, द फिनोमिना इज एंड्रोजेन। ठीक है, बात आता है कि यहाँ पे नए इंडिविजुअल से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कैसे होगा या सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा बेसिकली। अभी हमने जैसे एल्वेंटेटिव एम्ब्रायो के अंदर डिस्कस किया था, तो वहां एग सेल फर्टिलाइज ना होके न्यूसिलस का ही कोई सेल माइटोटिकली डिवाइड करके न्यू वन का फॉर्मेशन कर रहा था विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उस फिनोमेना को हमने बोला था वहां पे एडवेंटेटिव एम्ब्रायो। बट यहां इस केस में क्या होगा कि एग सेल जो है, जो कि हैप्लॉइड सेल था, एग सेल ही माइटोटिकली डिवाइड कर लेता है, और माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद वो न्यू वन का फॉर्मेशन कर लेता है या एम्ब्रायो बना देता है, देन द फिनोमेना इज नोन एज द नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और गैमेटिड या हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ कोई सिमिलर भी बता रहा हूँ, जैसे ये एम्ब्रायो से एम्ब्रायो से, तो इस एम्ब्रायो से अंदर छोटे पहले मैंने बताया था कि इसमें बेसल रीजन में जो सेल्स हैं इनको तो हम सिनर्जिक्स बोलते हैं, दे आर सिनर्जिक्स, और सिनर्जिक्स जो होते हैं हैप्लॉइड, इसके ऊपर एक एग सेल होता है, दिस इज एग सेल, और एग सेल जो थी वो हैप्लॉइड थी, वो भी हैप्लॉइड है। बेसल साइड में या अपर साइड में एंटीपोडल सेल्स होती हैं जो कि चलाजर रीजन की साइड प्रेजेंट होती है, दे आर द एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल। ठीक है, तो यहाँ एंटीपोडल सिनर्जिक्स हैप्लॉइड है, एग सेल हैप्लॉइड है, और एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लॉइड सेल्स है। इनके सेंटर में एक डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, दिस इज सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल जो होती है ये डिप्लॉइड होती है, दिस इज डिप्लॉइड सेल। तो ये एक एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर था, तो एम्ब्रायो सैक को हमने सेवन सेल एक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, यहां से काउंट करके अगर देखो तो वन सेल टू सेल थ्री सेल फोर फाइव सिक्स और एक सेवन सेल, तो सेवन सेल और एक न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रायो सैक। तो एक न्यूक्लियस कहाँ है, वन न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस थ्री न्यूक्लियस फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, तो एम्ब्रायो सैक इज सेट इज सेवन सेल एट न्यूक्लियस होता है। इसके चारों साइड न्यूसिलस प्रेजेंट है, ये न्यूसिलस, और न्यूसिलस को कवर करता है इंटेग्रमेंट। ठीक है, हमें यहां न्यूसिलस और इंटेग्रमेंट से लेना देना नहीं है, दिस इज न्यूसिलस और दिस इज इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट। ठीक, तो इन
नॉन करंट एपोमिक्सिस। अगर एग सेल नॉर्मली तो क्या होता है, एग सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज करता तब ये जायगोट बनाता है, ठीक है, मैं वो भी बता रहा हूं। फ्यूजन फिर जायगोट और फिर एम्ब्रा एम्ब्रा। इस एग सेल का फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बने और एम्ब्रा बने, तो फर्टिलाइजेशन होगा तो एक एग सेल होगा और एक मेल गैमेट होगा। तो मेल गैमेट के पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और एग सेल के पास भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके नहीं वो डिप्लॉइड जायगोट बनाते हैं, और डिप्लॉइड जायगोट जब माइटोटिकली डिवाइड करता है, ठीक है, तो वो एम्ब्रा बनाता है, डिप्लॉइड एम्ब्रा। तो एम्ब्रा भी क्या हो गया पे डिप्लॉइड। तो ये तो फिनोमेना हो गया क्या सेक्सुअल, ठीक है, क्योंकि वहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ है, गैमेटिक फ्यूजन हुआ है। बट इन नॉन करंट एपोमिक्सिस ये हैप्लॉइड एग सेल ही अगर माइटोटिक डिवीजन दे लेता है, माइटोसिस अगर दे लेता है, तो दिस विल फॉर्म द एम्ब्रायो, ये बना देगा क्या एम्ब्रायो। तो यहां कहीं कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो दिस एसेक्सुअल ए सेक्शुअल, ठीक है, या नॉन करंट एपोगेमिक्सिस, ठीक है, या एगेमो एस्पर्मिसिस, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ ना कि यहां पे एग सेल ही एम्ब्रायो का डेवलपमेंट करती है, और जब इस ओव्यूल के अंदर, तो ओव्यूल था पूरा ओव्यूल, तो इस ओव्यूल के अंदर जब एम्ब्रायो डेवलप हो जाएगा, then this ovule converted into seed, ये convert हो जाता है इसके अंदर seed के अंदर basically, ठीक है। तो इस टाइप से इस phenomena को हम बोल रहे क्या non recurrent gametogenesis basically, और gametogenesis बात आता है कि इनके profit क्या है, gametogenesis जो है उसके profit क्या है basically। तो इसके profit जो है वो सबसे पहला advantage क्या है इसका कि फास्ट मेथड्स होंगे, मल्टीप्लाट अच्छे से हो पाता है, ठीक, बहुत जल्दी नए लिंग्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है। दूसरा थिंग कि मैटरनल जो इफेक्ट है उसका एक्सप्लोइटेशन होता है, यहाँ कहीं भी फैटरनल इफेक्ट नहीं आएगा या फादर का इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा जो पार्ट है, ठीक है, ओवेरी इज द पार्ट ऑफ फीमेल डिवीजन, ठीक है, तो उस ओवेरी के अंदर ओव्यूल है, ठीक है, तो यहाँ ओव्यूल की एग सेल ही एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो रही है और सीड बना रहा है बेसिकली, तो यहाँ फीमेल का ही कैरेक्टर जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, मेल का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा थिंग्स कि अगर फीमेल के पास सुपर कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीमेल के पास अगर सुपर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो कैरेक्टरिस्टिक कंटिन्यू ही रहेगा, क्योंकि सीड में किसी टाइप से कोई वेरिएशन नहीं आएगी, जेनेटिक वेरिएशन किसी टाइप से कोई नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन से ही एम्ब्रायो फर्दर बनता जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये उसके कुछ क्या होंगे ना, ये प्रॉफिट्स है बेसिकली, तो एडवांटेज, नेक्स्ट एडवांटेज हो एडवांटेज ऑफ, ठीक है, उस पर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड एम्ब्रायो रेस्क्यू भी हम इससे कर सकते हैं, रेस्क्यू, बहुत सारे एम्ब्रायो को सेपरेट आउट कर करके उनको सेव कर लिया जाता है। इसके अलावा मैटरनल इफेक्ट एक्सप्लोइटेशन ये भी होगा।
मैटरनल सुपीरियर करेक्टर रिमेन सुपीरियर, मैटरनल सुपीरियर करेक्टर रिमेन सुपीरियर, रिमेन सुपीरियर, बेसिकली वो सुपीरियर ही रहे। ठीक है, तो ये आर द एडवांटेजेस ऑफ द एगेमो स्पर्म। ठीक है, थैंक यू।